उस पथरियाखड़े में अखंड रामायण बैठी थी एवं भंडारा भी हुआ और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग ने भाग लिया एवं पुलिस व्यवस्था सराहनीय सहयोग रहा। विमान करते हुए सभी लोगों ने स्वागत किया। ये रैली पथरियाखड़े से पुलिस चौकी तक निकाली गई। उसके बाद जानकी नाथ मंदिर में समापन हुआ। रवि कुमार गुप्ता, राजनगर ब्लॉक। जी प्रणाम, जय हो, जय हो। गुरु जी, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? एक कार्यक्रम श्री पथरिया अखाड़ा चंदनगर राजगढ़। अच्छा, कितने वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर हो रहा है? कार्यक्रम 16 वर्षों से चल रहा है। 16 वर्षों से। तो ये इसमें कितने गांव सम्मिलित होते हैं? करीब 7-8 गांव सम्मिलित होते हैं। अच्छा, तो ये हर वर्ष से किसके अवसर पर मनाया जाता है? हर वर्ष ये पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। अच्छा, तो आज के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर? पहले अखंड रामायण का पाठ हुआ। जी जी। उसके बाद अभिषेक हुआ। जी। हवन पूजन चल रहा। जी। और भंडारा चल रहा। अच्छा, तो इसमें जो श्रद्धालु आते हैं गांव से, काफी लोग यहाँ पर दर्शन करने के आते हैं और रैली विशाल निकलती है, इसमें अनुमानित संख्या क्या होगी? इसमें करीब 5-6 हजार लोग हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो संस्कार का सनातन धर्म का कार्यक्रम है, इसमें आप लोगों की प्राथमिकता से आज ये संस्कृति बनी आ रही है, सनातन संस्कृति, इसमें आपका क्या कहना होगा? हमारा ये कहना है कि भगवान से आस्था जोड़ने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। जी जी। और सभी लोग आए और भगवान से आस्था रखें, वो सबका भला करेंगे, और मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, जय श्री राम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कदीर खान है। आज अपने यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया है? आज मेरे यहाँ हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है। हाँ। और इसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज ने हमारे हिंदू भाइयों को स्वागत दिया है। पूरे गांव में निकलती है रैली? ये रैली हनुमान जी के मंदिर पथरिया अखाड़े से होकर पूरे गांव में भ्रमण करती है और जाके इसके बाद जानकी रमन मंदिर में जाकर समापन होता है।